जो दिवस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार आने पर प्रदेश में 1 मई को सरकारी अवकाश करेंगे। कमलनाथ भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना भी साधा। कमलनाथ ने कहा, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। लाडली बहना योजना को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह को अब बहनें याद आने लगी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। वे कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन कितनी बारिश हुई, किसानों को नुकसान हुआ, उनकी बात कीजिए। मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर होता है। हमारी सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि हमारे नौजवानों को क्या मंदिर मस्जिद में रोज़गार मिलेगा? रोज़गार तब मिलता है जब सरकार की नीयत ठीक होती है। कमलनाथ ने कहा, युवा, किसान, मजदूर, महिलाओं, सभी को यह सोचना होगा कि खुद को बचाना है या बीजेपी को बचाना है। प्रदेश में कितना कर्ज हो चुका है, लेकिन इस कर्ज से क्या क्या? आशा बहनों, आउटसोर्स कर्मचारी, इनमें से किसी की मांग पूरी हुई क्या? चुनाव से 8 महीने पहले बहनों की याद आई। किसान पुत्र कहते हैं खुद को, बीते 2-3 महीने में बारिश हुई, ओले पड़े, उनका मुआवजा दीजिए। मुँह चलाने और प्रदेश चलाने में अंतर है। इस वक्त प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देना सबसे बड़ी चुनौती है।